बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी से। इसमें वो बात करते हैं द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, कि हाइपोथेसिस जिनको बार बार वक्त के साथ है टेस्ट किया जाता है और वो कायम रहती है, often tested and never rejected, और जब भी बसा औकात उनके टेस्ट किए जाते हैं और कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, हम ऐसे हाइपोथेसिस को थ्योरी का नाम देते हैं। फिर देखिए कि हमने बात की कि ऐसी हाइपोथेसिस जो वक्त के साथ कायम दायम रहती हैं, जब भी बसा औकात इनके टेस्ट किया जाए और वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होती, हम इसे थ्योरी का नाम देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है लॉ, if a theory survives such doubtful approach and continues to be supported by experimental evidence, it becomes a law or principle. कहते हैं कि अगर एक थ्योरी सर्वाइव करती है, कायम रहती है, such doubtful approaches, जितने भी अप्रोच होते हैं जिनमें कोई गड़बड़ लगती है, जिसमें हमें कोई शक होता है, तो वो कहता है कि ऐसी अप्रोच पे भी ये थ्योरी जब वो सर्वाइव करे एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड, और वो जारी सारी रहे और उसकी सपोर्ट करते करे किस तरह एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कि तजर्बाती जो दस्तयाब जो सबूत हैं वो उस थ्योरी के शक को दूर करें, तब वो कहता है कि वो थ्योरी जो सर्वाइव करती है इट बिकम्स अ लॉ और प्रिंसिपल, तब वो लॉ या प्रिंसिपल बन जाते हैं जो एक हकीकत। इसी में एक साइंटिफिक लॉ की भी बात करते हैं। साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। साइंटिफिक लॉ जो होता है वो कहता है कि हमारे पास कॉन्स्टेंट फैक्ट होता है, मुस्तकिल एक हकीकत है कुदरत की। इट इज एन इररिफ्यूटेबल थ्योरी, ये ऐसी थ्योरी है कि जिसको कभी भी मुस्तरद नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ बायोलॉजिकल लॉज जो है वो कहते हैं कि उसमें हार्डी वेनबर्ग लॉ है और मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दो कवानी जो बयान किए गए हैं मेंडल्स के लिहाज से, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक, और दूसरा होता है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसलिए मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस जो है ये हमारे पास एग्जांपल्स में आते हैं बायोलॉजिकल लॉज के। नेक्स्ट जो हमारे पास वो बात करता है डेटा। डेटा को कहते हैं किस तरह डिफाइन करते हैं, दीज आर द इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, ये ऐसी इंफॉर्मेशन है डेटा के जो हमारे पास नाम हो सकता है, डेट्स तारीख हो सकता है, वैल्यूज मेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो मुशायदा और तजर्बा से जो चीज़ें हमें हासिल होती हैं, चाहे उसमें कोई नाम है, चाहे उसमें कोई तारीख है, चाहे उसमें कोई नंबर्स हैं, कोई मकदारें हैं, कोई वैल्यूज हैं, वो तमाम चीज़ें जो है वो डाटा में शामिल होती हैं। डाटा के लिहाज से बात करेंगे, डेट्स वो बात करते हैं डाटा ऑर्गेनाइजेशन की, जो डाटा हमने हासिल कर लिया है जिसमें हमने देखा कि हाइपोथेसिस में क्या चीज़ें हैं, ये सही है या गलत है, फिर हमने डिडक्शंस बनाए, डिडक्शंस बनाकर हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए वो एक्सपेरिमेंट्स जब उनके नतज क्या हासिल, अब वो जो नतज हासिल करते हैं दीज डेटा ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट फॉर्मेट्स। तो वो जो डेटा होता है जो हम हासिल करते हैं एक्सपेरिमेंट्स से, वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइज किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। वो फॉर्मेट्स ग्राफिक्स ग्राफ बनाकर भी आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं, टेबल्स आप लोग टेबल्स बनाकर जिसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, टेबल्स की सूरत में फ्लो चार्ट्स जिसमें एरो की मदद से आप लोग किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे एंजाइम वन है, एंजाइम टू है, एंजाइम थ्री है, इस तरह आप लोग एरोज की मदद से फ्लो चार्ट्स की सूरत में आप बनाते हैं चीज़ों को, मैप्स है और डायग्राम्स, डायग्राम्स बनाकर आप लोग चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स जो है वो। इस सूरत में कहते हैं कि वो जो डाटा हमारे पास हासिल होता है एक्सपेरिमेंट्स के नतीजे में, हम उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। डाटा ऑर्गेनाइज करने के बाद डाटा की एनालिसिस की जाती है, उसमें दो मेथड है हमारे पास, रेशियो और प्रोपोर्शन। कहते हैं रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, अब दो नंबर्स है हमारे पास, कहते हैं उनके दरमियान अगर ताल्लुक है, इज एक्सप्रेस्ड ए और बी जैसा कि is expressed in terms of quotient or division। तो जब दो numbers हैं चाहे वो a और b हैं,
अगर इनको जाहिर किया जाए इक्वेशन की सूरत में, जैसा कहता है कि वो ए ओवर बी है, डिवीजन में एक्सप्रेशन है, डिवीजन का साइन ये है, या कॉलम की सूरत में कि हमारे पास साइन है या ए डिवीजन बी या ए कॉलम जो है वो बी, तो ये हमारे पास क्या है कि हम दो जो नंबर्स होते हैं जो हमारे पास हासिल होते हैं अगर हम उसको जाहिर करें ए या बी से, तो वो कहते हैं कि उसको डिवीजन की सूरत में, तकसीम की सूरत में लिखना है, कॉलम की सूरत में लिखना है, जब दो नंबर्स को वो हमारे पास रेशो में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की बात करें, जॉइन टू इक्वल रेशोज बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी, कि जो दो रेशोज हैं उनको साइन ऑफ इक्वालिटी की सूरत में आपने बयान करना है, जैसे कि यहां पर एक साइन इक्वालिटी का। अगर हम इसकी बात करेंगे प्रोपोर्शन की, तो ये हमारे पास है ए कॉलन बी प्रोपोर्शन सी कॉलन डी। इसी तरह ए रेशो बी इक्वल का साइन ये भी प्रोपोर्शन के लिए, सी कॉलन जो है वो डी, सी रेशो डी। तो इस तरह जो है वो आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो दो हमारे पास रेशोज होती हैं उनको जो ज्वाइन करते हैं जोड़ते हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शन में आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स में क्या आता है, मीन्स ऑफ समराइजिंग डेटा थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ मीन वैल्यू, कि वो जो डेटा हमने इकट्ठा किया है हमने उसकी कैलकुलेशन के जरिए से मीन वैल्यू निकालनी, तो वो जो मीन वैल्यू निकालनी होती है वो हम लोग स्टेटिस्टिक्स में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। उसमें हम बात करते हैं कि जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे कि जीन फाइंडिंग है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस है, इनके जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जब हमने इनको फाइंड करना होता है तब जो है वो हम मैथमेटिक्स को अप्लाई करते हैं। तो नेक्स्ट इसी के अंदर हमारे पास बात है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या होता है, रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, कंप्यूटराइज्ड और स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो होती हैं किस लिए, फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, जो बायोलॉजी का डेटा हासिल होता है उसमें जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का अप्लाई करना या कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का अप्लाई करना, ये हमारे पास बायो इन्फॉर्मेटिक्स में आता है। तो ये तमाम डेफिनेशंस हैं, इनको आपने इसी तरह डेफिनेशंस के साथ याद करना है। अगर इसमें कोई बात पूछनी हो तो वो आप व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं।